हरियाणा के गांव का माहौल क्या है 2024 को लेकर, किसान एक बार फिर सड़कों पर है, मांगे वही पुरानी है, लेकिन सरकार क्या इस बार 13 महीने का वक्त लेगी या नहीं लेगी। इस बार दो राज्यों से ये फिर आंदोलन शुरू हुआ है। गांव के लोग क्या सोचते हैं ये जानने के लिए News24 सोनीपत के गाँव के पास मौजूद है। तो भाई साहब, हम लोग ये पूछ रहे हैं कि किसानों का आंदोलन जो शुरू हुआ है, इसमें आप लोगों की क्या राय है? भाई देना चाहिए उनते, हम तनु कहे हैं जो कुछ भी मांगते हो, जो कुछ भी मांग रहे हैं उनकी मांग पूरी करनी चाहिए। पिछली बार 13 महीना रहा था तो आप लोगों ने यहाँ पे बहुत प्रदर्शन को सपोर्ट किया। इसमें एक आदमी का वो थोड़ा ना भाई, ये तो 36 बिरादरी का, एक जाट का नहीं है ये जाट का पूछे, हम तो किसान पूछे। ये किसान का, जाट का, जाट किसान एक ही तो चीज है और क्या है। तो ये एक आदमी का नहीं है, ये तो 36 बिरादरी का, और सबके लिए बैठे हैं ये आंदोलनवादी, सबको मिलना चाहिए ये। इस बार कह रहा है कि आम लोगों का समर्थन बहुत नहीं है। नहीं है तो जिसका नहीं है वो सक्सेस हो जाएगा, टाइम लगेगा, एक एकदम से थोड़ा ना, जैसे पहला लगा था आंदोलन उसमें भी तो टाइम लगा था ना, ऐसे ही टाइम लगेगा, ऐसे ही जुड़ेंगे सब भाई, एक एकदम से सभी भाई यू थोड़ा है ना जुड़ेंगे भाई। इस बार है ना कि सरकार ने बहुत लंबा लंबा कुछ कर लो, सरकार बंदी कर ली है, कुछ कर लो सरकार, ऐसा डर गया है, कोई नहीं डरा, ठीक है, ये सरकार झुकेगी, पर अभी टाइम आया इसके इलेक्शन का, ये सब तरिया झुकेगी, इसको झुकाना जानते हैं लोग, वो तो पता थोड़ी गलती क्या रहेगी, 13 महीने बैठे रहे थे ना इन्होंने, जो आश्वासन दवा था वो इन्होंने हमारे लोगों ने मानना नहीं था, वो जब भी नहीं मानते ना, ये सरकार था ये जब भी वो कर रही थी, बताओ क्या करेगी ये सरकार, कितना ही जोर लगा ले सरकार से कुछ नहीं होता इससे। अच्छा, ये गांव जाटों का गांव है, 36 बिरादरी है जी, सब मिला के 36 बिरादरी। इस बार कहा गया कि भारत रत्न दे दिया चौधरी साहब का, तो अब किसान आंदोलन, किसान संतुष्ट हैं, खुश हैं भैया, वो बात कर रहा था उनका बात कर ऐसा है जी, अभी किसान कोई ये सरकार से तो वो नहीं है, सरकार ने तो सब कुछ बेवा दिया जी, ये तो पूंजीपतियों की सरकार है, गरीब आदमी की तो ये सरकार ही नहीं। चुनावी साल है।